औद्योगिक क्रांति, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन द 1780s एंड द 1850s इज कॉल्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो हमारे यहाँ पर आर्थिक रूप से जो इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म किया गया ब्रिटेन में 1700 से 1850 के बीच में, उसे इन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया। दिस हैड फार रीच्ड इफेक्ट इन ब्रिटेन। लेटर सिमिलर चेंजेस अकर्ड इन यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूएसए। इससे ब्रिटेन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और इसके बाद बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में चेंजेस आए। दीज वर टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ दोज कंट्रीज एंड ऑल्सो ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनसे इस सोसाइटी पर, आर्थिक सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा, इन कंट्रीज पर बहुत अधिक, संसार में, पूरे संसार में इनसे बहुत अधिक इफेक्ट पड़ा। इन सोसाइटीज़ के पर आर्थिक रूप से जो भी डेवलपमेंट किया गया उनका, इन कंट्रीज़ की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ा। दीज पेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजीज। दीज मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ मैसिव स्केल कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज। इस फेज में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किए गए ब्रिटेन में, जो नए नए मशीनरी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसको उसमें बहुत अधिक डेवलपमेंट किए गए और यहाँ पर नए नए जो गुड्स थे, सामान हैं, उनको बनाया गया। एक लार्ज स्केल पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। द चैप्टर ऑन आउटलाइन द चेंजेस इन द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज। स्टीम अ न्यू सोर्स ऑफ पावर बिगिन टू बी यूज्ड ऑन अ वाइड स्केल इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। यहाँ पर इस टाइम पर कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज में चेंजेस आए और स्टीम एक नए स्रोत, पावर, शक्ति के स्रोत के रूप में यूज किया गया। इट यूज लेड टू फास्टर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप्स एंड रेलवेज। मैनी ऑफ द इन्वेंटर्स एंड बिजनेसमैन हु ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस वर ऑफन नाइदर पर्सनली वेल्दी नॉर एजुकेटेड इन बेसिक साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। एज विल बी सीन फ्रॉम ग्लांसेस इनटू द बैकग्राउंड ऑफ सम ऑफ देम। यहाँ पर बहुत सारे इन्वेंटर्स ने, जो भी बिजनेसमैन ने, उन सभी ने बहुत से चेंजेस किए और पर्सनली वो लोग ना तो वेल्दी थे और ना ही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। बस उन्होंने बेसिक साइंस उनको आती थी, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री उनको, उनका बेस आता था। और हम एक झलक इसमें देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने उस बैकग्राउंड को तैयार किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट द ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर सम बट इन द इनिशियल स्टेजेस इट वॉज लिंक्ड विद पुअर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ मिलियन ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी बहुत सारे इनिशियल स्टेजेस पर या हर एक स्टेज पर जो पुअर लोग थे उनके, वहाँ पर जो भी रहते थे उन बहुत सारे मिलियन पीपल की कंडीशन जो थी बहुत ही पुअर थी, इंक्लूडिंग चाहे उसमें वुमेन भी थे और बच्चे भी थे। दिस स्पार्क्ड ऑफ प्रोटेस्टेड विच फोर्स द गवर्नमेंट टू इनैक्ट लॉस फॉर रेगुलेटिंग कंडीशन ऑफ वर्क। इसके उसमें, इस उपलक्ष्य में जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस को, वर्कर्स की कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन इनैक्ट किए थे। इस टर्म में हम देखेंगे कि जो यूरोपियंस थे, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे, उन्होंने इन सब के बारे में बताया है। इट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश बाय द फिलोसफर एंड इकोनॉमिक्स आर्नोल्ड टॉयबी।
to describe the change that occurred in British industrial development between 1760 and 1820. इस बीच उन्होंने इन सबको चेंजेस के बारे में बताया है. लेटर हिस्टोरियन, उसके बाद भी हम हिस्टोरियंस के बारे में देखेंगे कि उन्होंने भी यहाँ पर जो भी कॉटन और आयरन इंडस्ट्री इन कॉयल माइनिंग इन द बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड कैनल्स एंड इन फॉरेन ट्रेड, इन सभी में उन्होंने जो भी डेवलपमेंट देखा, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, उन सबको उन सब के बारे में यहाँ पर इस फॉरेन ट्रेड के बारे में किस तरह से वो बिल्डिंग किया गया, कैसे रोड्स बिल्ट की गई, इन सबको उन्होंने अपने जो साहित्य है अपना जो उनका जो भी पास्ट था उसके बारे में उन्होंने फिलोसफर्स ने इकोनॉमिक्स ने सभी ने इसके बारे में लिखा है. Why Britain? Britain में ही क्यों? Britain was the first country to experience modern industrialization. सबसे पहले ब्रिटेन में ही यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्राइजेशन या आधुनिक औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी. यहाँ क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबल था, मतलब राजनीतिक स्थायित्व था. 17th सेंचुरी में इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर ए मोनार्की, इन सभी में एक मोनार्की या एक राजतंत्र के अंदर ये लोग यूनिफाइड थे. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कॉमन लॉ थे वो सिंगल करेंसी थी, एक मार्केट था जो सभी लोकल अथॉरिटीज़ की जो थी वहाँ की वो उनसे टैक्स लेते थे, और इस टाइम पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी उनकी बहुत वेल थी. इस बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी के अंत में यहाँ पर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो मनी था, और लार्ज सेक्शन पर जो लोग भी अपनी इनकम में इनको एक्सेप्ट करते रिसीव करते थे तो वेजेस के रूप में उन्हें सैलरी मिलती थी. देन इन गुड्स सामान की अपेक्षा उनको सैलरी मिलती थी, और इससे वहाँ के लोगों ने बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया क्योंकि उनको बदले में सैलरी मिल रही थी. 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में मेजर इकोनॉमिक चेंजेस आए, उसको डिस्क्राइब किया गया एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में. इससे इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि जो बिगर लैंडलॉर्ड थे उन्होंने भी छोटे छोटे फार्म्स के ऊपर यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़ को स्थापित करना स्टार्ट किया. जो यहाँ पर लैंडलेस फार्मर्स थे उन सभी ने यहाँ पर ग्रेजिंग एनिमल्स और कॉमन लैंड्स पर जॉब की सर्च में या खोज में वो इधर उधर भटकने लगे. उनमें से अधिकतर जो आसपास के शहरों में चले गए.